हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन कोप काउंसलिंग 2023। मोस्ट ऑफ टॉपर्स जो ऑफर को एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर चुके हैं क्योंकि उन्हें जो भी आईआईटी चाहिए था उनको मिल चुका है प्रॉबेबली। ओके, राउंड थ्री का रिजल्ट जो है कि 3 जून को आने वाला है। एंड जो लोग मीडियम गेट स्कोरर हैं, लो गेट स्कोरर हैं, वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्शस हैं क्योंकि उन्हें अभी तक यू नो बेटर ऑप्शन नहीं मिला है आईआईटी में, या बेटर ब्रांच नहीं मिला है। बट जो स्टूडेंट ऑलरेडी 2 राउंड्स में रिटेन एंड वेट कर चुके हैं, उनके लिए 3rd राउंड में थोड़ा सा टेक्निकलिटी यू नो इंक्रीज हो जाती है। किस लिए? क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो राउंड 3rd है उसमें एक्सेप्ट एंड फ्रीज में यस दिखा रहा है, रिजेक्ट एंड वेट में भी यस दिखा रहा है, बट रिटेन एंड वेट के केस में राउंड 3rd में यहाँ पे कंडीशंस लग जाते हैं, यस एंड नो कंडीशन अप्लाई। आई एम श्योर दैट सम ऑफ स्टूडेंट नॉट अवेयर अबाउट दिस यस एंड नो ऑप्शन, तो मैं आपको इसी के बारे में बता देता हूँ क्विक, क्योंकि राउंड 3rd में किस स्टूडेंट के लिए रिटेन एंड वेट का ऑप्शन यस है एंड किन स्टूडेंट के लिए रिटेन एंड वेट का ऑप्शन नो है, तो ये थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में आपको शो करते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो आपको मैं एक लाइन यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, अ कैंडिडेट कैन चूज रिटेन एंड वेट ऑन द सेम ऑफर, सेम इंस्टीट्यूट एंड सेम प्रोग्राम ओनली ट्वाइस। दैट मीन्स कि अगर आपने किसी सेम प्रोग्राम को सेम आईआईटी में 2 बार ऑलरेडी रिटेन एंड वेट कर चुके हैं तो 3rd राउंड में आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आईआईटी कानपुर में थर्मल मिला है, 1st राउंड में आपने रिटेन एंड वेट किया, 2nd राउंड में अगेन आपको थर्मल मिला, आपने रिटेन एंड वेट किया, तो 3rd राउंड में अगर आपको थर्मल मिलता है आईआईटी कानपुर में अगेन, तो आप रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते। बट यस, आपके लिए अदर 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेकिन जो स्टूडेंट राउंड 1 या राउंड 2 में अलग अलग इंस्टीट्यूट या प्रोग्राम को रिटेन एंड वेट किए हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं रिटेन एंड वेट को। बट जो स्टूडेंट सेम प्रोग्राम को सेम आईआईटी में 2 टाइम्स रिटेन एंड वेट कर चुके हैं, वो 3rd राउंड में रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते। ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू टेल यू। So, thank you so much.